कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो मेरी मम्मी की रेसिपी है और इसका नाम है आलू और गोश्त के कबाब। बड़े ही लजीज बनते हैं और आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, क्योंकि बकरीद के बाद सीख कबाब और चपली कबाब, शामी कबाब बहुत बनते हैं तो सबका दिल भर जाता है। तो कुछ नया ट्राई करते हैं और बड़ी लजीज बनती है और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैं तो बहुत बनाती हूँ और मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चले आए बनाते हैं आलू और गोश्त के कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों, मैं आज बना रही हूँ आपकी फरमाइश पे आलू और गोश्त के कबाब। तो ये मैंने गोश्त उबाल लिया था, तो अब हम इसको साइड में कर लेंगे। तो ये देखें, और ये मैंने गोश्त उबाल लिया है, इसके मैंने रेशे कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, इसको मैंने उबाल लिया है, छील लिया है, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने ली है काली मिर्चें और ये हाफ टेबल स्पून है, ये मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अब मैंने आलूओं में ये गोश्त ऐड करना है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने गोश्त ऐड कर लिया है, इसके मैंने रेशे कर लिए थे। तो ये देखिए, मैंने आलूओं में गोश्त ऐड कर लिया है और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। आलू हम इसलिए डालेंगे क्योंकि आलू से ना कबाब गोश्त को पकड़ लेंगे। तो ये देखें, और ये हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है, ये देखें। और उसके बाद हमने ये रेड चिली फ्लेक्स जो निकाली हुई थी, ये हमने ऐड कर ली है। उसके बाद हमने ये नमक निकाला हुआ था, बस ये तीन चीज़ें इसमें डालेंगे और इसका जो टेस्ट होगा ना, वो हल्का हल्का स्पाइसी होगा। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनते, ये आराम से बच्चों को भी आप दे सकते हैं और छोटे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। ये देखें, मैंने अब इसको ना थोड़ा सा ना हाथ की मदद से ना, ये देखें, क्योंकि जब तक हाथों से ना करो तो मज़ा नहीं आता। तो ये देखें आप, मैंने इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि नमक भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और गोश्त और आलू भी। तो ये देखिए गाइस, आलू ने जो है वो गोश्त को एकदम पकड़ लिया है, तो ये खुलेंगी नहीं कबाब। ये देखें, और ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और डिफरेंट थोड़ी रेसिपी हो जाती है। हम लोग शामी कबाब, चपली कबाब, मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत खाते हैं, तो ये इसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है। और ये चिकन में भी बड़े मज़े के बनते हैं, और हमारी मम्मी जो बनाती हैं वो चिकन में भी बनाती हैं और गोश्त में भी बनाती हैं। अब इसका हम लोग कबाब बना लेंगे। तो हम थोड़ा इसके ना कबाब जो हैं वो लंबे बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाए, क्योंकि गोल कबाब तो हम लोग बहुत ही खाते हैं, बनाते हैं। तो ये देखिए आप, इस तरह से आपने कबाब का ये लिया थोड़ा सा मसाला, और ये देखें, बस उंगलियों के मदद से ना इसको यूँ दबाते रहें। और ये देखें, ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और ये जब फ्राई होंगे तो ये उसका जो फ्राई होंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये आएंगे कबाब, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, हम इस शेप में बनाएंगे कबाब। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, आपके बच्चे अगर गोल कबाब खाते हैं तो आप गोल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट ज़रा लुक हो जाता है, तो मैं इस तरह बनाती हूँ ये वाले, क्योंकि इसकी थोड़ी ये पहचान है कि हमारे घर में कि हमारे ये वाले कबाब ऐसे बनते हैं। अच्छा बेगम, एक सवाल आ रहा था, क्या मैं कर सकता हूँ? जी जी बोले। क्या पता हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहें, क्या हम इसको डीप फ्राई करेंगे या नॉर्मल? नॉर्मल फ्राई होते हैं ये, डीप फ्राई जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इसमें भी ऑयल में भी ये फ्राई आराम से हो जाते हैं। तो ये देखें, बड़े ही आसानी से बन जाते हैं। आपने बस गोश्त उबालना है, आलू उबालने हैं, और इसमें ये थोड़ा सा इसमें जो है नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं और किसी भी काली मिर्चें हैं, बस ये ऐड करनी है और बस इसमें आप और कुछ नहीं करना। और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, ये उसके केचप के साथ भी केचप के साथ केचप के साथ खाएं, जैसा आपका दिल करे आप उसके साथ खाएं। तो ये देखें, ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और ये माशाल्लाह ये ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आलू डलना है और आलू माशाल्लाह बहुत बरकत हो जाती है आलू में। तो ये देखिए आप। अच्छा मैं आपके व्यूवर्स को ये बात बता दूँ कि ये दिखने में जो है ना नॉन स्पाइस लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत टेस्टी होते हैं और स्पाइसी होते हैं। इसका जो टेस्ट है ना, वो जो है वो अगर मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डालूंगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका गोश्त का फ्लेवर और जो है आलू का फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, हम जल्दी जल्दी बना लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई भी करेंगे। ये देखें, हम इसको मसाले को साइड करते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे। ये देखें, थोड़े से मैं हो गए हैं टेढ़े बढ़ेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, तो अब मैं इसको भी ठीक कर लूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों, मैंने गैस ऑन कर लिया है, चूल्हा जला लिया है। अब हम इसे फ्राई पैन रख लेंगे, ये देखें, और चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसमें ये घी ले रही हूँ, ये देखिए। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे आज, इसको हम हल्के हल्के घी में ही फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर ऑयल जो है वो बाद में ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने एक अंडा लिया है, उसके बाद ये देखिए, ये देखिए, मैंने एक अंडा लेके इसको फेंक लिया है। इसमें मैं हमारा घी गर्म हो रहा है, तो ये देखिए, ये हम मसाले, और ये देखिए गाइस, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे, चूल्हे को ज़रा तेज़ कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा घी थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें से भाप निकल रही है, इसको थोड़ा सा हम हल्का कर देंगे अब। और ये देखिए, मैंने जो एक अंडा फेंटा है, इसमें हम इस आलू को जो है, कबाब का जो है, इसको हम अब ये देखिए, ये हम एक एक करके इसमें सारे डालते जाएंगे। थोड़ा दूर करना मोबाइल, ये देखिए गाइस, मैं हाथों की मदद से आराम से ये देखिए डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, बड़े ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको हम जो कबाब को है गोल गोल घुमा लेंगे और अंडे को हर तरफ लगा लेंगे, उसके बाद हम उसको ऑयल में डाल लेंगे। अब हम लोग हैंड वॉश कर लेंगे, क्योंकि मैं दोबारा फ्राई करूंगी और मेरे हाथ में अंडा लगा हुआ है, तो मुझे घबराहट होती है। तो अब इसके चूल्हे को हम ज़रा सा तेज़ कर लेंगे। ये देखिए गाइस, बड़े ही मज़े के बनते हैं ये। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाते हैं। और बस आलू और गोश्त को उबालना है और मसालों को मिक्स करना है और इसको फ्राई करना है कबाब बना के। ये देखिए, तो हम आप पलट देंगे, ये देखें, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि अंडा तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो ये देखें, देखिए गाइस, हमारे कबाब बन गए हैं और मैंने इसको दोनों साइड से पलट लिया था। तो ये देखें, ये देखें, ये साइड से भी कुक हो गया है और इस साइड से भी कुक हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे, ये देखें, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ही कम ऑयल में हमने बना लिए हैं बड़े ही मज़े के आलू और गोश्त के कबाब। तो ये देखें, ये बच्चों को दें, बहुत ही मज़े से खाएंगे वो, क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है और टेस्ट बहुत ही मज़े का है इसका। ये देखें, ये हर तरफ से कुक हो चुका है, ये देखें। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये देखें, निकाल के हम प्लेट में रखते रहेंगे, ये देखें। हम यहाँ से थोड़ा सा और कुक कर लेंगे, यहाँ वाला निकाल लेंगे, ये देखें, और ये देखें इतनी जल्दी कुक हो गया है, ये देखें। तो हमारे जो बचे हुए कबाब हैं हम वो भी फ्राई कर लेंगे। ठीक गाइस, मैंने जो ये बाकी के कबाब थे इसको भी मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में, और ये देखें, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं,
और बाकी का जो बचा हुआ अंडा था तो मैंने ये भी डाल दिया है इसमें। और ये देख सकते हैं आप कितने कम कुकिंग ऑयल में और एक अंडे में ये आराम से सारे कबाब फ्राई हो गए हैं। ये देखें, तो नॉन स्टिक का फ्राई पैन आप यूज़ करें तो बेहतर होगा क्योंकि ये सही रहता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें ना आराम से कुक हो जाती हैं। ये देखें आप कितनी जल्दी ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, बस आपने डाला और इसको फ्राई कर लिया आराम से। अच्छा, शामी कबाब में तो अंडा जो है वो अंदर डलता है और इसमें जो है वो लग के फ्राई होता है। हमारे जो दूसरे हमने कबाब डाले थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। और ये देखें, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, इसको भी हम रख लेंगे। ये देखें, दस्सी भी पका लेंगे। ये देखें गाइस, बड़े ही मज़े के कबाब बने हैं। और ये देखें, ये मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, बड़े ही मज़े के बने हैं। आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।